दोस्तों आज 20 जनवरी 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी में रिलायंस के क्वार्टर थ्री के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हाइलाइट्स को बता देता हूँ क्वार्टर थ्री में ग्रॉस रेवेन्यू दो करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में यह दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये दो लाख नौ हज़ार आठ सौ तेईस करोड़ था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस रेवेन्यू में फोर्टीन पॉइंट एट परसेंट की बढ़त हुई है लेकिन अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग पाँच परसेंट की गिरावट हुई है ये ग्रॉस रेवेन्यू में जी एस टी इंक्लूडेड है क्वार्टर थ्री में कॉन्सोलिडेटेड एबिटा अड़तीस हज़ार चार सौ साठ करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में चौंतीस हज़ार छः सौ तिरसठ करोड़ था और प्रीवियस ईयर एक क्वार्टर थ्री में यह तैंतीस करोड़ था तो एबिट्टा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर साढ़े तेरह परसेंट की बढ़त है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग ग्यारह परसेंट की बढ़त हुई है तो ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा किया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम सत्रह करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में पंद्रह करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में यह सत्तर हज़ार सात सौ तीन करोड़ था प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में दो हज़ार आठ सौ छत्तीस करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ था इसे यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया है तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज़ीरो पॉइंट सिक्स परसेंट की ही बढ़त हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो यहाँ लगभग पंद्रह परसेंट की बढ़त हुई है तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट यानी कि एक्सक्लूडिंग द एक्सेप्शनल गेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह पैट फ्लैट है और सिक्वेंशियल बेसिस पर इसमें पंद्रह परसेंट की ही बढ़त हुई है तो दोस्तों ये था रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट का हाईलाइट अब हमें मंडे को ही पता चलेगा कि इस रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद